तो आपने अभी इनको खिलाने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे तुम बताओ? ऐसे भी तो भूखे मर ही रहे ना, इससे अच्छा है कि साथ में मर जाएंगे, टेंशन ही खत्म ना सारा। म्यूनसिपालिटी का इनका इनको मिल जाएगा और उसको मिल जाएगा जो कर रहा हूँ, ये बच्चों को तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल कुछ ऐसा घटा वस्ती विहार महानगर पालिका अंतर्गत जिसकी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए आप, काफी गंभीर विषय है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं कुछ अपनी बात रखूंगा, वो भी आप अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति आई कार्यालय के बाहर। यहाँ हमारे साथ एक महिला और इनके दो बच्चे यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यह महिला पिछले कई दिनों से वसई विरार महानगर पालिका कार्यालय के चक्कर काट रही है, इनकी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या को वसई विरार महानगर पालिका जो है वो सुलझा नहीं पा रही है। इसके लिए आज इन्होंने एक ऐसा कदम उठाने की ठानी कि जो नहीं उठाना चाहिए। पहले हम इनसे मुलाकात करते, उसके बाद इस बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये आपका नाम? आसमा खालिद मिस्त्री। आसमा जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरी जगह पे मेरा जेठ और एक सलीम खेमानी और एक बरकत, ये लोग इल्लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं और मेरे चार बच्चे, दो लड़के अब भी गई। मैं घासरेड लेके आई आज जलाने के लिए इनको, कि मुझे आज मरने का ये, आज 5 महीना 6 महीने से इधर दौड़ रहे, ये सब पेपर लेके घूम रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, समझे? और उधर मारने कूटने का दम देते हमारे को, आज बताओ हम किधर जाने का? चार बच्चे, आज घर काम करती तो बच्चे पालती। आपके पति कहाँ हैं? खत्म हो गए, 3 साल हो गए। कितनी पूरी जगह है क्या? 1.5 घंटा जगह है, जेठ पूरा कब्जा जमा के रखा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, आज इनको क्या खिलाऊं मैं? वो हर जगह जाता है, पूरी म्यूनसिपालिटी को मैनेज करके रखा है, बोलता है मैंने सबको पैसा खिलाया, मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूँ? आप अपना गुजारा कैसे चलाते? मैं मेरा घर काम करती हूँ। आप घर घर जाते? आज आपने इस तरह से एकदम जो कदम उठाया, आप बोले घासलेट लेके आए थे, ये कदम नहीं सही है क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है। तो आपने अभी इनको खिलाने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे तुम बताओ? ऐसे भी तो भूखे मर ही रहे ना, इससे अच्छा है कि साथ में मर जाएंगे, टेंशन ही खत्म ना सारा। म्यूनसिपालिटी का इनका इनको मिल जाएगा और उसको मिल जाएगा जो कर रहा हूँ, ये बच्चों को तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना। लेकिन म्यूनसिपालिटी तो आपके मामले में कार्यवाही कर रही है, पहले नोटिस निकाला। हाँ, नोटिस निकाला, वो भी मैंने विरार जाके नोटिस निकाला, इन्होंने नोटिस नहीं निकाला, वो मैंने प्रेशर बढ़ा के निकला है। और हमारे पास पैसा नहीं है भाई किसी को खिलाने के लिए, मैं तो खुला बोल रही हूँ, म्यूनसिपालिटी मेरी जो होती है सलीम खेमानी आके इधर पैसा खिलाता है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। आप इसमें शामिल सलीम खेमानी का नाम ले रहे हैं, कागज पे तो कहीं भी उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं है लेकिन वो मैरिज करते इधर आके, मेरा 2-3 बार इधर आ गई ना, वही वो उनको मैरिज करता है, रमेश पाटिल को है ना, वो मैरिज करता पैसे में। रमेश पाटिल को? ये महेश पाटिल आयुक्त है, उन्होंने ही निकाला ये सब MRDP का। आज कितने दिन से दौड़ रहे हैं हम? 3 साल हो गया दौड़ते दौड़ते हमको। अच्छा, आज आपको भी क्या बोला इन्होंने? आज इन्होंने बोला परसों हम कार्रवाई करते, ये पेपर बना के दिए मेरे को, बोलता हम कार्रवाई करते परसों। आप संतुष्ट है अभी? अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चे को लेके जाऊँ नहीं जब तक इधर कार्रवाई पूरा नहीं करेंगे, तब तक इधर ही बैठती हूँ मैं। नहीं, लेकिन आज को आपको पत्र दिया है तो आज वो बोला हाँ उनको देंगे ना, क्यों नहीं, 2 दिन दे रही हूँ ना अभी मैं, आज का और कल का दे रही हूँ ना, परसों बोलते हैं ना उन लोग कार्रवाई करते, ठीक है मैं करती हूँ परसों तक। तो ये मैंने आपको बात कराया आसमा जी से, अब ये इनके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट है और इन्होंने जो भी बताया अपनी जबानी बताई वो आपको थोड़ा बताओ। तो इनके एक ज़मीन है जहाँ एक इनका घर है, वहाँ रहते हैं, 1.5 घंटा ज़मीन है, इनके पति और उनके भाई दोनों की वो मालकी हक की ज़मीन है, जिसका 7/12 है, इनके पति के गुजरने के बाद में उस 7/12 पे इनका भी नाम है। अब उस 7/12 पे आज के समय में अनाधिकृत तौर पर इनके जो रिश्तेदार है जेठ, वो वहाँ बांधकाम कर रहे हैं, महानगर पालिका अथॉरिटी से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई है, ऐसा इनका कहना है। और रही बात यह है कि अगर परमिशन ली जाए तो उसमें भी 7/12 पे जो पक्ष है उसकी भी NOC लगती है, तो उन्होंने कहीं पे भी इनकी NOC नहीं ली है। उसके बाद वो लगातार काम कर रहे हैं, ये लगातार शिकायतें
कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने फ्यूचर की कहीं ना कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर की कुछ चिंता है और उसी को लेकर ये कर रहे हैं। आगे देखा जाता, ऐसे कई मामले देखे जाते हैं जहाँ इस तरह से जो बच्चे हैं उनको अपना हक नहीं मिलता है। हम यहाँ ये नहीं बोल रहे कि वो अपना हक इनका हक देंगे या नहीं, लेकिन इनको इनसिक्योरिटी है और इसीलिए ये शिकायत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी सिक्योरिटी अपनी जगह बराबर है, और जो काम करने वाला विकासक है उसने भी बिना अथॉरिटी के परमिशन काम किया, यानी कि इल्लीगल काम किया, तो इल्लीगल काम भी अपनी जगह पे गलत है। ये दोनों ही पॉइंट को हम मद्देनज़र रखें तो उसके बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका को कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन महानगर पालिका का रवैया हमेशा की तरह ढुलमुल है। महानगर पालिका एक नोटिस निकालती है, इस मामले में महानगर पालिका ने पहले पेपर सादर करो नोटिस निकाला, उसके बाद में 7 दिन बाद में MRTP नोटिस निकाला, उसकी 30 दिन की मुद्दत आज ख़त्म होने वाली है। अभी मैं अबरार मिस्त्री खालिद मिस्त्री की बहन हूँ, ये मेरी छोटी भौज है। आइए एक मिनट, ये इसने देखो मेरे भाई बीमार हुआ, मेरे भाई ने उसके ऊपर पैसा लगाया, सब कुछ किया, इसने क्या की दूसरे कसम के लिए, दूसरी इसने निकाह कर चुकी थी मेरे भाई की जिंदे पर, इसने निकाह करने के बाद में मेरे भाई को इन्हें नींद की गोलियां दे दे के मारी है। अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है, इसने मेरे भाई का मर्डर की, और इसका कोई हक नहीं बनता है, ये निकाह कर चुकी है, बाकायदा अगर इसने शादी की है तो उधर बच्चों का नाम बताइए कि वो संभाल सकता है कि नहीं। मेरा भाई देने के लिए प्रॉपर्टी में राजी है, लेकिन इसको इसका हक का मिलेगा। ननद है, मैं इसकी ननद हूँ। अभी आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के पीछे कोई सच्चाई है? हाँ, सब सच्चाई है, हमारे घर के पास आ जाओ, सब सच्चाई मिलेगी आपको पूरी, और जितने इसके साथ में लड़के हैं ना, जितने इसके साथ में लगे सब आपको सच्चाई मिलेगी। ये एक नंबर की झूठी है, फ्रॉड औरत है। और कुछ सुनना चाहते हो? मेरे बाप पे बलात्कार का इल्जाम लगाई, इसने मेरे बड़े भाई पे बलात्कार का इल्जाम लगाई, ये कोई औरत है क्या? और मेरे भाई जिंदा है, उसके पीछे उसने शादी की और उसको नींद की गोलियां दे दे के मारी है, ये कोई औरत है क्या? नहीं, आज हम लोग हमारे आदमी हमको मारता है पीटता, हम सब कर सकते, लेकिन हमारे आदमी को हम जहर की इंजेक्शन नहीं दिला सकते, लेकिन इस औरत ने दिलाई। और ये बच्चे, मेरी बहन सब कुछ करती है इन लोग का, मेरे भाई मरने तक की उसके पहले से कर रही है बाकायदा, ये झूठी और मक्कार औरत है। आज हम लोग घर घर घूम रहे, हम लोग बाहर से घूम रहे, आज हम लोग का हक नहीं है क्या? हमारी बिल्डिंग पर, बाप की बिल्डिंग पर हम लोग बनवा रहे हमारा मकान, हम नहीं बना सकते? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमीना सलाउद्दीन मिस्त्री है, मैं उनकी लड़की हूँ। आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो कल का है, कल वैसे ही रहा, महानगर पालिका प्रभाग समिति आई कार्यालय के नीचे मैंने रिकॉर्ड किया था, और मैंने खुद अपना वहां पर जो वीडियो बनाया था, साथ ही साथ दो महिलाओं का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो आपको मैंने दिखाया। अब इस वीडियो से आपको आधी बात समझ में आई होगी, क्योंकि वो वीडियो में बना रहा था और बीच में ही रोका था, तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वीडियो जो है, मेरा सवाल है प्रशासन से, जो वीडियो आपने आगे देखा है उसमें मैंने कई चीजें बताई है जो यहां दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे, साथ ही साथ उसमें एक दो औरत थे, उनका अलग अलग वीडियो है, तो दोनों आपसी रिश्तेदार हैं, एक ननद और एक उनकी भाभी है, तो भाभी अपने पर अत्याचार की बात कर रही है और ननद उनके ऊपर आरोप लगा रही है, जो वीडियो का अगला पार्ट है उसमें। तो यह पारिवारिक मामला है, इस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि पारिवारिक मामला है, और कहीं ना कहीं जो महिला महानगर पालिका गई और जिसने कल इतने मजबूर होकर एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जो नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष द्वारा अपनी सफाई में कुछ कहा जाए, यह एक साधारण सी बात है। और एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है मैं दोनों पक्षों की बात दिखाऊं, और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया, ये वीडियो रिकॉर्ड किया जब वो महिला भी वहीं पे खड़ी थी, उनके सामने ही रिकॉर्ड हुआ, उनको जो बोलना था उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो पारिवारिक मामले में मेरे को ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, हाँ, लेकिन बात में जहां बात रुकी थी वहां से आगे बात करना चाहूंगा कि बात यहां पर आ गई प्रशासन की। ऐसे मामले
सामने आते क्यों हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन की निग्लिजेंस, प्रशासन की अकार्यक्षमता। इस मामले में पारिवारिक मामला है वो अपनी जगह पे, लेकिन जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां डेवलपमेंट पे किसी तरह की परमिशन नहीं है। यही बेस लेकर क्यों महानगर पालिका कार्यवाही नहीं करती है, सवाल बढ़ा है। और परमिशन नहीं है अथॉरिटी की, उसके साथ ही साथ जो रिश्तेदार जो शिकायत कर रहे हैं उनका साफ बराबर पे नाम भी है, उसके बावजूद महानगर पालिका वहां पर कार्यवाही नहीं कर रही है। यह कहीं ना कहीं उकसाता है लोगों को गलत कदम उठाने पर। हालांकि ये भी मैंने आपको बताया कि महानगर पालिका ने 2 दिन का लिख के दिया था। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में लेट क्यों पब्लिश कर रहा हूं, तो उसके पीछे मेरे निजी कारण थे। मेरे करीब रिश्तेदार की डेथ हो गई थी और मैं थोड़ा उसमें बिजी था, तो मैंने ये वीडियो कल प्रसारित नहीं कर पाया। आज ये वीडियो मैं अपने चैनल पर लगा रहा हूं। तो फिर आता हूं मैं अपने पॉइंट पर कि कहीं ना कहीं प्रशासन की निग्लिजेंस है। आज भी दिन भर में मुझे ऐसी खबर मिली सूत्रों से कि इनका वही मामला आज भी विरार गया, और जहां आज भी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। अब देखा जाएगा ये कि क्या प्रशासन कार्रवाई इस पे करेगा। और दूसरी बात, प्रशासन को कार्रवाई तो करनी ही है, क्योंकि नियमों को ताक में रखा गया है, नियमों को कानूनों को तोड़ा गया है। लेकिन साथ ही साथ वही चीज पहले वाली बात की, जब शिकायत आई तब त्वरित संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, यह एक प्रश्न जो है वो वहां के वहीं खड़ा है। जब कोई शिकायत आती है, शिकायत करता है तो महानगर पालिका हो या पुलिस प्रशासन हो, इस मामले में पुलिस भी प्रशासन भी बीच में आएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अगर कोई महिला ऐसा कदम उठा लेगी जिससे उसकी जान चली जाए तो उसमें पुलिस भी जिम्मेदार मानी जाती है। तो क्यों नहीं महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है? तो यह सवाल है। जैसा मैंने कहा वीडियो में, जो दोनों ही पक्षों ने बोला उनके दोनों ही पक्षों के वो विचार है, मेरा या चैनल का उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं कोई अदालत नहीं हूं कि कोई फैसला सुनाऊं, लेकिन सवाल उठाना मेरा काम है, एक पत्रकार हूं, सवाल उठाना मेरा काम है। तो जो वाजिब सवाल है मैंने वो सवाल उठाया है। महानगर पालिका को चाहिए कि इस मामले को अति गंभीरता से लेते हुए हैंडल करे, और कहीं ना कहीं किसी की जान जोखिम में डालने से महानगर पालिका बचे। एक बार फिर से वही बात दोहराता हूं कि वीडियो में जो महिलाएं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है वो उनकी निजी बयान है, और उन बयान से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक पक्ष की तरफ से आरोप लगता है तो दूसरे पक्ष अपनी तरफ से सफाई देता है। तो इसका मैं वहां खबर बनाने गया था, इसी बेस पे गया था। मुझे जब खबर मिली थी कि एक महिला इस तरह से महानगर पालिका में आई है, तो उस आधार पे मैं गया था, और उस आधार पे प्रशासन पर अभी भी सवाल या निशान है, इसके लिए मैंने ये खबर चलाई हुई है। अगर पारिवारिक मामला होता तो मैं खबर नहीं भी चलाता, क्योंकि पारिवारिक मामले कई दफा हमारी सोच से परे होते हैं। लेकिन यहां प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं कुछ निजी कारण है, करीबी रिश्तेदार की हमारे गांव में मैयत हुई थी, और उस हिसाब से मैंने ये वीडियो कल नहीं बनाया, आज इस वीडियो को मैंने पब्लिश किया हूं। अभी भी एक दिन महानगर पालिका के पास है, और अब देखा जाएगा कि महानगर पालिका आने वाले दिन में कल क्या कुछ करती है, और कोई ना कोई सॉल्यूशन इस मैटर पे निकलता है, या फिर ऐसी कोई अनहोनी घटना घटित होती है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।